लड़की ने कहा एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई, ये मेरे पति देव है। अरे ये भी आ गए, आप यदि इन्होंने एक ऐसा जोक सुना कि हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। एक बार फिर से इन्हें सुना दीजिए ना। जोक रिपीट कर रहे से उसका मजा चला जाता है। आज यार तू टेनिस खेलने नहीं आया? वहां सब लोग इंतजार कर रहे थे। आज शाम को कहीं पार्टी में जाना था इसलिए ऑफिस से जल्दी चला आया। घर पहुंचा तो पता चला एज यूजुअल श्रीमती जी बाहर गई हैं, घर पे ताला है। ये भी तो तुम्हारा ही घर है, इसीलिए तो चला आया। अच्छा हुआ आप घर पे थी, वरना मेरे लिए टाइम पास करना मुश्किल हो जाता। मैं कॉफी लाती हूँ मोहन जी, एक कप और? जी नहीं शुक्रिया, आप तो मेरी आदतें बिगाड़ देंगी, ऑलरेडी दो बार पी चुका हूँ। तो एक कप आपसे। चलो ठीक है, सुनो मोहन साहब के लिए कॉफी, मेरे लिए चाय। अभी ले। तुम्हारी पार्टी में तो अभी टाइम है ना? हाँ। मैं जरा चेंज करूँ। ओके गो मोहन जी चले गए, उनकी वाइफ आ गई। कितनी खूबसूरत चीज है ये, जरूर मेरी सोनू की चॉइस। मोहन जी की चॉइस, उन्होंने प्रेजेंट की थी पार्टी के दिन। क्या बात है, ये आर्टिस्टों की चॉइस भी खूब होती, जब भी कुकू करेगी याद दिलाएगी, है ना? अच्छी लगी? तुम्हें पसंद है ना? बहुत। प्रेजेंट तो और लोगों ने भी दी, मगर ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे आपके सपनों की रानी के पास रख लिया था। अरे मैं दूध स्टोव पर रखकर आई थी, कहीं जल ना जाए, अभी आती हूँ। हुलिया बना रखा है, क्या करी थी तुम? कुछ नहीं, ऐसे जरा घर की सफाई का मूड आ गया था। कूड़ा फेंका था, बंद करना भूल गए। अंधेरा होते ही बंद कर दिया तो। कुछ परेशान नजर आते हो, तबीयत तो? कमल आखिर बात क्या है, तुम इस तरह हर कमरे में क्या देख रहे हो? मुझे कोई मिलने आया था। नहीं तो? अरे हाँ मोहन जी आए थे, उन्हें कहीं बाहर जाना था, बैग चाहिए था, मैंने तुम्हारा एयर बैग खाली करके दे दिया है। अच्छा किया, अपनी चीज किसी पड़ोसी के काम आ जाए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। एक गिलास पानी ला। कब तक पढ़ोगे? 12 बज गए हैं। तुम सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? मालूम नहीं, लेकिन तुम भी तो नहीं सोए। ये जो कहानी पढ़ रहा हूं ना, बड़ी रोमांटिक है। शुरुआत भी अच्छी थी लेकिन बीच में आके उलझ गई, पता नहीं कैसे खत्म होगी। तुम सोचा मुझे पढ़ने दो। नहीं
कल पढ़ना। जानते हो आज क्या दिन है? संडे। संडे। चलो सो जाए। क्या पागलपन है, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, जब तक मैं इसे पढ़ नहीं लूंगा नींद नहीं आएगी। तुम जरा सो जाओ, मुझे पढ़ने। कमल, कुछ दिनों से तुम बहुत बदल गए हो। क्या मतलब? मुझे ऐसा लगने लगा है अब तुम मुझे नहीं चाहते। तब तो मैं नहीं, तुम बदल गई हो। कहीं तुम्हें अभी से अफसोस तो नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? कमल, छोड़ो ये फिजूल की बात है और सो जाओ। मशीन जल जाएगी। माइंड योर ओन बिजनेस। ओह, आई एम सॉरी। अंदर आ सकता हूँ मैं? मोहन जी, आइए आइए। कहाँ है कमल? जरा बुलाइए, बहुत जरूरी बात करनी है उससे। वो घर में नहीं है, उनके किसी दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें देखने गए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आज वो ऑफिस में भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा परेशान था वो। मैंने आकर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, अकेले में बोर हो रही थी, पढ़कर टाइम पास कर रही थी। बैठे ना, बोलिए क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? जी नहीं शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूँ, आज रविशंकर जी का प्रोग्राम है और कमेटी वालों ने
दो टिकटें भेजी है। वो एज यूजुअल पिक्चर किटी पार्टी या कोई क्लब, वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है। अरे हाँ, आज आप अकेली हैं, आप चलेंगे मेरे साथ? 10 बजे तक लौट आएंगे। सितार का प्रोग्राम और वो भी रविशंकर जी का। आप 5 मिनट ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। कौन है पर्दे के पीछे? कौन हो तुम? तुम तो अपने किसी दोस्त को, तुम यहां कैसे? इस तरह आधी रात को छुपकर मुझ पर नजर रखने का मतलब क्या है? बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। मोहन के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा संबंध मोहन जी के साथ? जी हाँ, मोहन जी के साथ, जिसके लिए तुम्हारे दिल में जरूरत से ज्यादा हमदर्दी है। और मैं ये भी जानता हूँ मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों मिलते हो। दुनिया जानती है मोहन की बीवी मोहन से प्यार नहीं करती, और मुझे शक है कि वो कमी तुम पूरी कर रही हो। करो कमल, बस करो। आज शाम भी तो उसके साथ गई थी, इतनी देर से लौटी हो, बताओ कहाँ गई? तुम्हारी बेरुखी का मतलब आज मेरी समझ में आया। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझ पर शक करोगी, मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाओगी। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें क्या देखा जो तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारा मोहन के साथ क्या संबंध है? उनके साथ मेरा क्या संबंध है ये जानना चाहते हो? नहीं बताऊंगी, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं। घर छोड़ने से पहले इतना सोच लो, तुम्हारा इस तरह घर से चले जाना मेरे शक को यकीन में बदल देगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं घर से ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी से भी जा रही हूँ, और हमेशा के लिए।